सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीआं खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो अते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर। पंजाब विच ब्लैक फंगस दे 111 केस, सरकार चौकस इस तरह होवेगा इलाज। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि देश विच कोरोना इनफेक्शन दौरान ब्लैक फंगस दी इनफेक्शन दे कई मामले लगातार तेजी नाल वधदे दिख रहे हन। पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सोमवार जानकारी दित्ती कि सूबे दे कई हिस्सियां तो हुण तक ब्लैक फंगस दे कुल 111 मामले सामने आए हन। उत्थे ही रोगियां दा इलाज प्रोटोकॉल तहत कीता जा रहा है। एक प्रेस रिलीज दे मुताबिक जानकारी दित्ती गई है कि इना मामलियां विच 25 इनफेक्टेड मामले सरकारी सेहत सुविधावां नाल, जदके बाकी 86 वख-वख हस्पतालां दे सामने आए हन। बलबीर सिंह सिद्धू दा कहना है कि ब्लैक फंगस दे मामले मुख रूप नाल उना रोगियां विच पाए जांदे हन जो हाल ही विच COVID-19 नाल ठीक होए हन जां लंबे समें तक ऑक्सीजन सपोर्ट ते रहे ते बेकाबू शुगर दे शिकार हन। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना करके लए जरूरी फैसले, शुक्रवार तो लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि कोविड मामलियां दी गिणती विच भारी कमी वेखदे होए रोजाना मजदूरी करन वाले मजदूरां, व्यापारियां, दुकानदारां अते व्यापारक संस्थावां दे जीवन दे भारी नुकसान नू देखदे होए सोमवार नू प्रशासक VP सिंह बदनौर दी प्रधानगी हेठ अधिकारियां दी इक वार रूम दी बैठक विच कुछ महत्वपूर्ण फैसले लए गए हन। इह कहा गया है कि जे शहर विच कोरोना स्थिति विच कोई सुधार नहीं होया तां पाबंदियां दी समीक्षा कीती जावेगी अते दोबारा लागू कीतियां जाणगियां। नाइट करफ्यू शाम 6 बजे तो सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड करफ्यू शुक्रवार 28 मई शाम 6 बजे तो सोमवार 31 मई तक जारी रहेगा। हालांकि वीकेंड दे करफ्यू दे दौरान सिर्फ जरूरी चीजां दीआं दुकानां नूं खुल्ला रहण दित्ता जावेगा। सारियां दुकाना सवेरे 9 बजे तो दोपहर 3 बजे तक खुली रहन दी इजाजत होवेगी। हालांकि सारियां दुकाना नू पूरी तरह सैनेटाइज कीता जावेगा। दुकाना ते आउण वाले सारे गाहकां अते होर लोकां नू लाजमी तौर ते मास्क पाउणे पैणगे। कि अगले 2 दिनां विच ब्लॉक होण वाला है फेसबुक ट्विटर, केंद्र ने भेजिया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि ट्विटर फेसबुक अते इंस्टाग्राम दी प्राइवेट नीति नू लैके सख्त नजर आ रही है। सरकारी सूत्रां मुताबिक केंद्र सरकार ने ट्विटर फेसबुक अते इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफार्मां नू 26 मई तो लागू होण वाले नवें गुप्त नियम दा पालन करन विच असफल रहण नू लैके चेतावनी दे नाल नोटिस भेजिया है। दरअसल 25 फरवरी नू इलैक्ट्रॉनिक्स अते सूचना तकनीकी मंत्रालय दे नवें नियमां दा पालन करन लई सोशल मीडिया प्लेटफार्म नू 3 महीने दी समा सीमा दित्ती जो 26 मई नू खत्म हो रही है। की है नवें नियम विच इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 दे अनुसार सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होवेगी जो इंज ही पब्लिशर जां उनां दे एसोसिएशन द्वारा बनाई जावेगी। इह संस्था भारत दे वख-वख नसल अते वख-वख धर्म दे लोकां नू ध्यान विच रखेगी अते किसे भी नसली जां धार्मिक समूह दीआं गतिविधियां, विश्वासां, प्रथावां जां विचारां दी विशेषता दसदे होए सावधानी अते विवेक दे नाल कम करेगी। डाकघर दी इस स्कीम विच लगाओ पैसा, बिना रिस्क हर महीने मिलेगा चंगा रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि मंथली इनकम दे तौर ते पोस्ट ऑफिस दी महीनावार इनकम स्कीम भी चंगा प्लान है। इस स्कीम विच इन्वेस्टमेंट ते तुहानू हर महीने रिटर्न मिलदा है। इस विच सिंगल जां ज्वाइंट अकाउंट खोल सकदे हो ते रकम जमा कर सकदे हो जिस ते हर महीने ब्याज मिलेगा। सिंगल अकाउंट विच 4.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। ज्वाइंट अकाउंट विच निवेश दी रकम डबल हो जांदी है। जे तुसी ज्वाइंट अकाउंट खोल के स्कीम विच 9 लाख रुपए जमा करदे हो तां इस ते 6.6% दी दर नाल सालाना 68,400 रुपए ब्याज मिलेगा। स्कीम दी सब तो खास गल ए है कि ब्याज हर साल वधदा है।
स्कीम नूं 5-5 साल लई वधाया जा सकदा है। एक खाते विच सिर्फ 3 लोग ही शामिल हो सकते हैं। खाता खोलण वाले की उम्र 18 साल तो उपर होगी। 10 साल तो घट उम्र के बच्चों के माता पिता अपने नाम से खाता खुलवा सकते हैं। टाटा स्टील कंपनी का वड्डा ऐलान। कोरोना नाल मुलाजम की मौत ते परिवार नूं 60 साल तक मिलेगी पूरी तनखा। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि कोरोना नाल देश विच लखां दी गिणती विच लोकां दी मौत हो रही है अते इस नाल परिवार नूं काफी मुश्किलां दा सामना करना पै रहा है। कोरोना नाल जान गवाउण वाले लोकां दे पति जां पत्नी इकल्ले हो गए हन अते बच्चे बेसहारा हो गए हन। अजिहे विच उहनां नूं राहत देण लई कारपोरेट कंपनियां काफी कोशिशां कर रही हैं। इसे तहत टाटा स्टील कंपनी ने वड्डा ऐलान किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि ओह कोरोना नाल होने वाले अपने किसी भी मुलाजम की मौत ते उनादे आशिरता नूं मृतक मुलाजम की 60 साल की उम्र तक पूरी तनखाह दिंदी रहेगी। यही नहीं, उसके बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम भी कंपनी करेगी। अजिहे परिवार नूं मेडिकल ते रिहायश सहूलत भी मिलती रहेगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 5वीं जमात का नतीजा ऐलानिया। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने सोमवार नूं 5वीं क्लास का नतीजा ऐलान दिता। यह नतीजा PSEB.ac.in ते वेख्या जा सकता है। विद्यार्थी अज अपना नतीजा वेख सकणगे। कीते ऐलान मुताबिक प्रीख्या विच कुल 314,472 विद्यार्थियों ने प्रीख्या दी सी, जिन्हां विचों 313,712 विद्यार्थी पास हो गए ते नतीजा 99.76% रहा। बोर्ड दे चेयरमैन डॉक्टर योगराज ने दस्सिया कि 5वीं जमात नाल संबंधित 4 विषयां दीआं प्रीख्यावां लै लईआं गईआं सन ते इन्हां विच प्राप्त अंकां दे आधार ते ही नतीजा ऐलानिया गया है। कोरोना महामारी कारण स्वागत जिंदगी ते गणित दा पेपर नहीं हो सकिया सी। कुड़ियां दा नतीजा 99.80 रहा ते मुंडियां दा नतीजा 99.73 रहा। बिजली बिल जमा करवाउण लई छूट। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि पंजाब राज कारपोरेशन लिमिटेड ने वणज विभाग दे सीसी नंबर 13/2021 राही जारी हदायतां मुताबिक 31/2020 तक दे सारे सरकारी अते गैर सरकारी खपतकार जिन्हां वल्लों किसी भी कारण अपना बिजली बिल नहीं भरिया जा सकिया, उन्हां खपतकारां नूं बिजली बिल 15 July 2021 तक जमा करवाउण लई विशेष छूट दिती जावेगी। इस संबंधी पावरकॉम दे एक्सीएन विपन गोयल ने कहा कि उक्त स्कीम 3 महीने लई सूबे भर विच लागू रहेगी। सारियां दुकानां सवेरे 9 बजे तो 3 बजे तक खुल्लियां रहणगियां। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि चंडीगढ़ विच सारियां दुकानां सवेरे 9 बजे तो 3 बजे तक खुल्लियां रहणगियां। हालांकि सारियां दुकानां पूरी तरह स्वच्छता विच होणगियां। दुकानां विच दाखल होण वाले सारे ग्राहक अते उन्हां विच शामिल सारे व्यक्ति लाजमी तौर ते मास्क पाउणगे। संबंधित मार्केट एसोसीएशनां नूं दुकान दीआं मंजिलां अते बाजारां विच दाखले दे दोवां मखोटां दी उपलब्धता ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਥੀਏਟਰ, ਸੈਲੂਨ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੱਤੀ ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਗੇ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ 2 ਲੱਖ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ SMS ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰਗਾਂ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
प्रदान करती है। यह एक साल का कवर है और व्यक्तिगत द्वारा सालाना नवीनीकरण किया जाता है। जेडे लोग पहला ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम लई नामकरण कर चुके हैं उन्होंने आटो डेबिट सहूलत के जरिए 12 रुपए का प्रीमियम अपने खाते विचों कढ़िया जाता है। तुहाडा बैंक खाता आम तौर पर हर साल 25 मई तो 31 मई के विचकार डेबिट होगा। बैंक खाता सिर्फ उन्होंने डेबिट किया जाएगा जिन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लई अप्लाई किया है। इस महीने PF खाते विच आउणगे किन्ने पैसे इस नंबर ते मिसड कॉल दे के करो पता। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड दा पैसा मुश्किल समय विच लोकां दे बहुत काम आउंदा है। कोरोना महामारी दे चलदे मुलाजमां नू अपनी नौकरी तो हथ धोना पै रहा है। अजिहे विच PF अकाउंट दे पैसिआं नाल उहनां नू काफ़ी मदद मिली है। दस दईए कि कंपनी अते मुलाजमां नू EPFO विच हर महीने राशि जमा कर हुंदी है। मुलाजमां नूं रिटायरमेंट तो बाद भी पैसे मिलते हैं। उत्थे लोड़ पैण ते भी PF खाते तो कुछ पैसे कढ़वाए जा सकते हैं। हालांकि कई सबसक्राइबर नूं नौकरी बदलते समय पता नहीं हुंदा कि उन्होंने अकाउंट विच किन्ना पैसा जमा हो गया। 1 अप्रैल तो नवा वित्तीय साल भी शुरू हो गया है। अजिहे विच कई बदलाव होए हैं। कई मुलाजमां दे EPFO अकाउंट विच ज्यादा पैसा आ सकता है। आओ जानते हाँ कि किवें घर बैठे PF खाते बैलेंस चेक किया जा सकता है। मिसड कॉल दे के PF बैलेंस जानिया जा सकता है। इसलिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 011-2290-406 ते मिसड कॉल करना है। इस तो बाद फोन ते एक मैसेज आवेगा जिस तो बाद कुल PF दी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों जे तुहानू यह साडी जानकारी वधिया लगी तो कमेंट करके दस्यो, लाइक अते शेयर जरूर करियो अते साडे चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्यो। धन्यवाद।